अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और जी कैसी गुजर रही है आप लोगों की ईद। फाइनली आज ईद का जो है ना इख्तिताम हो चुका है, आज ईद ख़त्म हो गई है, तीसरा दिन है जी ईद का। लेकिन फिर भी माशाल्लाह से इस बार तो पूरे वीकेंड जो है ना ये ईद तक ही ईद का ही रहेगा। और आज जो है ना सुबह से मैंने लगाई हुई थी मशीन, और मैंने कहा चलो जी थोड़े से कपड़े हैं बच्चों ने थोड़े गंदे कर दिए तो वो मैं वॉश कर लेती हूँ। तो हुआ ये कि जी मैं फंस गई मशीन लगाने के बाद, पानी चला गया बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाने में, उनको रेडी करने में, ऊपर से फ्राइडे था, ये सब काम करते करते जी वो जो है ना हो गया, पानी चला गया। फिर खैर शुक्र अल्लाह का 5 बजे तक पानी आ गया था, फिर मैंने सारे कपड़े वगैरह वॉश करके जो है ना मैं अभी फ्री हुई हूँ मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद। अब मैंने जो है ना, अच्छा जी मैंने कहा चलो जी अब चलते हैं किचन में, तो चल के तैयारी करते हैं आप आज के खाने की, क्योंकि 2 दिन जो थे ना ईद में हमने बाहर से ही खाना वगैरह खाया था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि आज ना घर में कुछ अलग सा बनाया जाए। तो हम लाहौरियों के लिए सबसे अलग जो चीज़ होती है सब कुछ खाने के बाद वो फिर दाल चावल ही होते हैं। तो जी आज मैं बना रही हूँ माश चनों की दाल, और साथ में जो चावल बना रही हूँ। जितना मर्ज़ी कहें कि चावल नहीं खाने, लेकिन फिर भी जो है ना चावल खाने से हम बाज नहीं आते, फिर भी चावल बन ही जाते हैं। चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ना मैंने चनों की दाल और काले माश जो थे वो साबुत भी भून के रखे हुए हैं, और यहाँ पे मैंने छोटी सी प्याज काट के इसमें डाल दिया प्रेशर कुकर में। तो जी यहाँ पर ना मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट, इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें डालूँगी जी सारी ये दाल अपनी, ठीक है। अच्छा जी अब ना मैंने इसमें मसाले डालने हैं, मैंने सिर्फ बेसिक मसाले डालने हैं इसमें, किसी भी लाल मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया, और उसके बाद जी किसी भी हल्दी मैंने 1 चम्मच इसमें डालनी है बस। 1 चम्मच जो है ना मैं नमक डाल दी इसके अंदर। अच्छा जी मैंने चूल्हे की आँच जो है ना काफ़ी तेज़ की हुई है, अभी जब तक इसका जो है ना विसल इसकी बोलती नहीं है तब तक मैं इसकी आँच को तेज़ रखूँगी, फिर मैं इसको दरमियानी आँच पर कर दूँगी। अच्छा जी यहाँ पे जो है ना मेरा प्रेशर स्टार्ट हो गया बोलना, और उसके बाद मैंने जो तड़के में जो चीज़ें रेडी की है ना वो मैंने 1 टेबलस्पून हरा मिर्च, 3 बड़ी वाली जो है ना ये लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून जीरा लिया मैंने, लहसुन लिया 4 जवे लहसुन के लिए बड़े बड़े, इनको चॉप कर लिया, और जो है ना मैंने साथ में ये प्याज काट लिया, इसका भी तड़का लगाने के लिए मैंने रख लिया। और इधर जो है मैंने चावल जो है ना अपनी कर दिए हैं, खाना आज लेट हो गया था बच्चे आके बाद। अच्छा यहाँ पे बच्चे अपनी मस्ती कर रहे हैं, और जो है ना अपने जो ये CID लगाया हुआ है ना नेट पे वो देख रहे हैं, यहाँ पे आते का मस्ती कर रही है अपनी। यहाँ पे चावलों में बॉयल आ गया और मैं चावल इसमें डाल रही हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ना घोटा लगा रही हूँ अच्छे से ताकि ये बिल्कुल ऐसे मुलायम हो जाए, जिस तरह से मलाई होती है ना वैसे इसको हमें बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम करना है, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल लाइट होनी चाहिए, मुलायम मुलायम सी होनी चाहिए। अच्छा दाल यहाँ पे मैंने घोट ली थी अच्छे से, इसको घोटा लगा ली थी, ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं तड़का, अच्छा यहाँ पर मैंने ना सारा जो है ना ऑयल डाल लिया 2 बड़े चम्मच, इसमें मैं डाल दूंगी जी अपना ये प्याज और लहसुन, पहले मैं इनको अच्छा सा ब्राउन कर लूँगी लाइट ब्राउन सा, उसके बाद मैं सारे मसाले पकाया वाले डालूंगी, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हमारा तड़का तकरीबन रेडी हो गया, पहले ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दूँगी, अच्छे से रेडी हो गया तड़का, बस तड़का लगा रही मेरे बेटे बस आ गई, ये देखिए जी। अच्छा धनिया भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, दाल हमारी रेडी हो गई, चावलों का दम जी मेरा माशाल्लाह से हो गया। अब मैं फटाफट से ना पहले अपने बच्चों को खाना दूंगी क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लगी हुई है। अच्छा जी यहाँ पे हमारे बहुत ही यम्मी दाल चावल हो गए हैं रेडी,
और साथ में जी मैंने प्याज काटा था उसको जो है ना पानी में सिंपली वॉश करके मैंने इसमें और अचार को मिक्स कर लिया अच्छे से, और ये बड़ी मज़े का यम्मी सा लग रहा है। यहाँ पे जी बच्चे भी खाना खा रहे हैं। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो एक न्यू ब्लॉग में जी। अल्लाह हाफिज़।